मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। देखा नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है, इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा ये बात है, पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। कैसी आवाज है? मुझे पता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। दोस्तों तुम सब सो जाओ। ये कितना क्यूट है, क्या हम इसे रख सकते हैं? इनाम तो ये लो,
इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों मैं अभी आया। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम, राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। मैं इस बुद्धिहीन कालिया को कभी राजा नहीं बनने दूंगा।